क्या आपको हेयर फॉल की बहुत सारी समस्याएं हैं? क्या आपके बाल रीग्रो नहीं कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा कोठारी, वेलनेस कोच एंड वेलनेस एडवाइज़र। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जो कि 80% इस दुनिया में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, जो कि हेयर फॉल की समस्या है। सबसे बड़ा बुरा इम्पैक्ट बालों पर तब पड़ता है जब अपनी पुअर लाइफस्टाइल होती है। डिपेंड करता है आप क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, कितना अपने बालों का ध्यान रखते हो और कितने अपने बालों की केयर करते हो। डिपेंड ये भी करता है कि आप कितने स्ट्रेस में हो, आप कहीं ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओवर स्ट्रेस हैं, इससे भी अपने बालों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहा कीजिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ या स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, तो उससे सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आप मेडिटेशन कीजिए। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप ये आता है ओवर स्ट्रेस से बचने के लिए, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने से आपके जो बाल है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब वो आप पूछेंगे कैसे? आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपने ब्रेन को सबसे ज़्यादा रिलैक्स मोड में रखना। जब आपका ब्रेन रिलैक्स मोड में जाएगा तो वो अच्छी तरह से फंक्शन करेगा। जब वो अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, जो बालों को जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो पहुँचना है वो आपको मिलेगा। एक ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हम सुबह उठते हैं और जैसे हम वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं या ऐसा कोई एक्सरसाइज करते हैं जो अपने हेयर के रूट्स तक न्यूट्रिशन पहुंच सके, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो सके, जिस ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने की वजह से अपने बालों को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट मिल जाता है। ये सब चीज़ें करने से आपके बाल नेचुरली ग्रो करते हैं। गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोकल मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने बालों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बालों के हेयर डैमेज को बचाने के लिए, न जाने कैसे कैसे शैम्पू यूज़ किए करते हैं। बट उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि अगर आप शैम्पू का चूज़ भी करते हैं, अच्छा शैम्पू, अच्छा सीरम, अच्छा कंडीशनर भी यूज़ करते हैं, तो ये देखिए कि आप ये चेक कीजिए कि क्या आपका शैम्पू पैराबेन फ्री है, क्या आपका कंडीशनर सल्फेट फ्री है। अगर वो शैम्पू पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, देन इट्स गुड। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए, जो कि आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड थिंग कि आप अपने बालों को कोई भी केमिकल वाली चीज़ें ना यूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको केमिकल वाली चीज़ें नहीं लगानी है, जो बालों को बहुत बुरा इफेक्ट होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खाना क्या खाते हैं, ठीक है? आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपके बाल अच्छी तरह से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं ना कि लस्ट्रस स्ट्रक्चर जो चाहिए अपने बालों, इसे हम कहते हैं, बोलते हैं ना, बहुत ही बाउंसी लुक चाहिए होता है लोगों को, बहुत ही अच्छा शाइन आना चाहिए बालों को। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि उसके लिए आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग एक्सटर्नली एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि लोगों को नहीं करना चाहिए। 70% आप इंटरनली काम कीजिए और 30% एक्सटर्नल पे काम कीजिए। इंटरनली अब कैसे हो सकता है? ईट बैलेंस डाइट। आप ये ध्यान रखिए कि आपके खाने में रिच इन विटामिन फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स खाइए, फ्रूट एंड नट्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सके, जो रिच इन प्रोटीन हो। और थोड़े कार्ब्स, अच्छे कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, और हेल्दी मैं बोलूँगी कि फैट्स, जो कि अपने बालों के लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, फैट्स अगर नहीं होगे तो अपने बालों में अच्छी तरह से काम भी नहीं करेंगे। जिस तरह से हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बोलूँगी, अगर कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी में हम टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, ऑयलिंग नहीं करेंगे, किसी भी मशीन में ऑयलिंग नहीं करेंगे, तो उसी तरह से उसको जंग लग जाता है। उसी तरह से अपने बालों को भी
प्रॉपर टाइम पे एसेंशियल ऑयल से मसाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप वंस इन अ वीक एसेंशियल ऑयल से मसाज नहीं करेंगे, स्कैल्प पे मसाज नहीं करेंगे, उस पर फेस हेयर मास्क नहीं लगाएंगे, तो बालों का ग्रोथ भी अच्छा तरह से नहीं होगा। थर्ड थिंग ये कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन बी, जो जिसे हम कहते हैं बायोटिन, जिसे कहते हैं बायोटिन, जो बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाल तो प्रोटीन से ही बनता है, राइट? प्रोटीन ही अगर हम अच्छी तरह से लेंगे तो बालों को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखिए कि अपने खाने में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कीजिए, रिच इन विटामिंस, विटामिन बी विच इज़ बायोटिन, उसका ज़्यादा आप इंटेक कीजिए, रिच इन आयन, जिंक, सेलेनियम, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाइए, और फॉस्फरस। अभी आप पूछेंगे फॉस्फरस आपको मिलेगा मेथी, फेनिग्रिस सीड जिसे हम कहते हैं मेथी, वो अगर आप लेते हैं या उसका सीरम, जैसे कि अगर रात भर आप मेथी को भिगो कर सुबह उसका पानी आप बॉटल में भर के अगर उसका स्प्रे भी लगाएंगे तो वो एक अच्छा सीरम आपके लिए साबित होगा, और उसका मास्क आप लगा सकते हैं, जो कि अपने बालों को अच्छा हेयर मास्क मिल सकता है। उसको अगर आप दही के साथ उसका पेस्ट बनाकर, मेथी का दही के साथ पेस्ट बनाकर, एलोवेरा जेल और जो भीगी हुई मेथी थी जो रात वो, और दही, अगर इन तीन चीज़ों को का आप मास्क बनाकर लगाते हैं अपने बालों पर, बहुत ही अच्छा काम करेगा, उसका इफ़ेक्ट अच्छी तरह से रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, जब आप वो बालों को लगाते हैं, लगाकर 10-15 मिनट के बाद धोते हैं, तो दूसरा कोई शैम्पू आपको यूज़ नहीं करना, कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करना है, और 2-3 दिन तक रहने देना चाहिए। उसके बाद आप 3 दिन के बाद आप शैम्पू लगा सकते, ताकि उसका इफ़ेक्ट बना रहे, जो आपने लगाया है मास्क उसका इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है आपके बालों को जा सके। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है बालों के रिगार्डिंग, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, जो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी बालों के और भी बहुत सारे जो हेयर ग्रोथ है उसके बारे में बहुत सारे मैं इम्पोर्टेंट टिप्स दूँगी, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, थैंक यू।